नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, कंटेंट पसंद आए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में बात करेंगे हमारे भारत के एक और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में, जिसको लेकर के एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, और यहाँ पे लगभग 709 किलोमीटर की इसकी दूरी होने वाली है। ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट ओनली मुंबई और हैदराबाद के बीच में ही नहीं बनेगा, यहाँ पर बेंगलोर भी कनेक्ट होगा। तो मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, इस प्रोजेक्ट को लेकर के एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अभी हाल ही में हमारे यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने लोकसभा में रिटर्न में रिप्लाई दिया है, जिससे खुलासा हुआ है इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का। उन्होंने इसमें बताया है कि इस 709 किलोमीटर के मुंबई हैदराबाद बुलेट ट्रेन कनेक्टिविटी के लिए हाल ही में सर्वे शुरू हो चुका है। इस सर्वे के अंदर सॉइल टेस्टिंग, प्रॉपर्टी एंड लैंड एक्विजिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या होने वाली हैं, और साथ में ही पूरा का पूरा ज्योग्राफिकल एनालिसिस होगा कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट फिजिबल है कि नहीं। क्योंकि मुंबई, हैदराबाद और बेंगलोर आर्थिक गतिविधियों के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सिटीज हैं इंडिया के लिए, तो यहाँ पर इस तरीके के प्रोजेक्ट का बनना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी लगता है। तो यहाँ पर जो भी सर्वे और टेस्टिंग वगैरह का काम हो रहा है, इससे आखिर में एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होगी, जो कि हर प्रोजेक्ट में होती है, जिसको हम DRP कहते हैं। फिर DRP के बाद में अगले प्रोसेस में इसको अप्रूवल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास भेजा जाएगा या फिर गवर्नमेंट के पास भेजा जाएगा। फिर वहां पर इस अप्रूवल मिलता है, फिर इसकी फंडिंग की तैयारी होती है, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट निकाले जाते हैं। तो इसमें काफ़ी वक्त लगता है। यही कारण है, बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट का अगर फिजिबिलिटी सही साबित होती है, तो ये प्रोजेक्ट बेंगलोर और मुंबई के बीच में लगभग 2051 में बनकर तैयार होगा। काफ़ी वक्त तो लगेगा ही इसमें बनने में। और ये भी बताया जा रहा है कि बेंगलोर और हैदराबाद के बीच में ये कनेक्टिविटी 2041 में कंप्लीट हो जाएगी, और इसके साथ में ही चेन्नई और बेंगलोर का बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भी है। तो ये सभी कनेक्टिविटी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है भारत के लिए, अगर भारत को ग्रो करना है आगे आने वाले टाइम में। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश का नेशनल रेलवे प्लान जो तैयार हुआ था, उसके अकॉर्डिंग 2030 तक काफ़ी काम होने हैं। साथ में अब 2051 तक, मैंने आपको बुलेट ट्रेन का जो अभी डेडलाइन बताया, इसके अकॉर्डिंग देश में 7 बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बनने हैं, जिसमें दिल्ली वाराणसी, दिल्ली अहमदाबाद, दिल्ली अमृतसर, मुंबई नागपुर, चेन्नई मैसूरू, वाराणसी हावड़ा एंड मुंबई हैदराबाद वाया बेंगलोर, ये सभी प्रोजेक्ट होने जा रहे हैं। और मुंबई अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट तो अभी प्रोग्रेस में है ही। इसमें दिल्ली वाराणसी प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बहुत पहले ही बताया था कि यहाँ पर फिजिबिलिटी का सर्वे हुआ था, लेकिन फिजिबिलिटी नहीं पाई गई थी। यही कारण है, कुछ बुरी खबर भी आई थी इस प्रोजेक्ट को लेकर के, लेकिन फिर बाद में कहा गया था दोबारा से फिजिबिलिटी चेक होगा, और अभी बहुत ज़्यादा कोई ठोस खबर नहीं आई है दिल्ली वाराणसी को लेकर के। लेकिन मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर को लेकर के जो सर्वे चल रहा है, इसके बारे में अभी टेस्टिंग की जो खबर आ रही है, आई होप कुछ पॉजिटिव निकल करके आए और इस प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी अच्छी पाई जाए और यहाँ पर बुलेट ट्रेन का काम शुरू हो जाए। दूसरी बात दोस्तों, अभी देश का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जापान के साथ कोलैबोरेशन में चल रहा है, मुंबई अहमदाबाद के बीच में 508 किलोमीटर का यह बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है। इसकी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मेरे चैनल पर मिलती रहती है। इस बार की अपडेट आपने नहीं देखी है, उसको जरूर देख लीजिएगा। इसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में, पिन कमेंट में मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है ना, इसका ओनली एम ये नहीं है कि हम अहमदाबाद और मुंबई को जोड़ना चाहते हैं एक हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी से, क्योंकि यहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर एक एम और है, हम लोग जापान, जिसके पास शिंकानसेन जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी है बुलेट ट्रेन की, और इनके पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का, हम इनके द्वारा बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करेंगे इस प्रोजेक्ट में। ये प्रोजेक्ट तो एक सिर्फ तरीका है, जिससे हम सीखना चाह रहे हैं कि आखिर अपने देश में हम आगे आने वाले टाइम में इन सभी जगहों पर, जो कि अभी मैंने बताई, वहाँ पर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे बिना किसी की हेल्प के। क्योंकि इस कोलैबोरेशन के जरिए हम ब्रिंग कर रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्टीज को, और साथ में ही फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा है इस कोलैबोरेशन के जरिए, और हम लोगों को ये भी नॉलेज मिल रही है कि इस तरीके के प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में आखिर कितना फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत होगी, कितना पैसा हम लोगों को लगाना होगा। हमारे जो इंजीनियर्स हैं, वर्कर्स हैं, जिनकी टीम्स समय समय पर जापान जाती है शिंकानसेन टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए, हाल ही में एक टीम जा रही है, तो ऐसे में हमारी वर्कफोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगी, तैयार हो जाएगी आगे आने वाले प्रोजेक्ट के लिए। जैसे दिल्ली मेट्रो ने आगे आने वाले भविष्य में बहुत सारे मेट्रो प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा साथ निभाया, वैसे ही ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के जो पूरी टीम होगी NHRCL की,
वो आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ऐसे ही हमारा देश आगे बढ़ता रहे और बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट और भी जगहों पर आए, हम यही चाहेंगे। और इस तरीके की टेक्निकल न्यूज़ और साथ में ही इनका टेक्निकल एनालिसिस, किस किस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है प्रोजेक्ट, ये सब कुछ आपको मेरे चैनल पर मिलता ही रहता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना अगर हो सके तो। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।